नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर लाइव। आपके साथ मैं अनुराग शर्मा। खबर आ रही है गुजरात के नर्मदा जिले से। केवड़िया कॉलोनी के गरुड़ेश्वर रोड पर बोलेरो और मोटरसाइकिल के बीच एक भीषण एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें मोटरसाइकिल सवार नरेश भाई तड़वी, प्रदीप भाई और मनीष भाई घायल हो गए थे। एक्सीडेंट के बाद 108 एम्बुलेंस को फोन किया गया था, लेकिन दुर्घटना को देखने के लिए ट्रैफिक भी जाम हो गया था। वहीं स्टैचू ऑफ यूनिटी को देखने के लिए आए जीवा भाई बाला ने अपनी गाड़ी से तीनों घायलों को गरुड़ेश्वर के सामूहिक अस्पताल में भर्ती करवाया। वहीं एक घायल को राजपीपला के सरकारी हॉस्पिटल में ट्रांसफर किया गया है। इंडिया खबर लाइव के लिए गुजरात नर्मदा से गौतम व्यास की रिपोर्ट। केवड़िया कॉलोनी यूनिवर्सिटी जारे हम फेमिली साथ घूमवा गया त्यारे रिटर्न आवता था त्यारे गाम केवड़िया कॉलोनी थी आगर 65 किलोमीटर एक एक्सीडेंट थी। टू व्हील दो बे मानस नु त्रण जणा हता, कोई बोलेरो कैम्पर वालों त्या अने भटकावी पाड़ी दीधा छे। વધારે લાગી ગયું છે એટલે એમરજન્સી 108માં ફોન કરતા 108 નહીં આવેલી, બે કલાક સુધી નહીં આવેલી। લોકો 200-300 માણસો રોડ ઉપર ભેગા થઈ ગયા, મારી ગાડીને એટેક કર્યો કે ભાઈ શું કરે છે સરકાર આમાં। એટલે મેં કીધું ચાલો ભાઈ સરકાર બધું કરે છે, નાખો મારી ગાડીમાં। મારા ફેમિલીને મેં નીચે ઉતારી લેડીઝ અને મેં એ લોકોને હોસ્પિટલ સુધી પહોંચાડ્યા, પછી 108 આવી અને પછી મેં મારી ગાડી હોસ્પિટલેથી હાઈજેક પાછી કરીને મારા ફેમિલીને મેં હોસ્પિટલેથી પાછા ફરી મારી ગાડીમાં બેસાડ્યા।